नमस्ते दोस्तों, काव्य पाठ में आज मैं आपको शंकर शैलेंद्र साहब की लिखी हुई एक रचना सुना रहा हूँ कविता के रूप में। आप महान लेखक थे, जिंदगी अरमान बन के गुनगुनाई, एक नई पहचान बन के मुस्कुराई, तुम रहे आकाश को ही देखते। आगे सुने आप, जब समझ पाए न तुम उसका इशारा, नाम लेकर भी तुम्हें उसने पुकारा, क्या मिला क्या तुम गंवाते आ रहे हो, पूछ देखो जानता है दिल तुम्हारा, प्रीत प्यासी जान बन के छटपटाई, दूर की एक तान बन के पास आई, ओ तुम रहे आकाश को ही देखते। आह क्या कहने शैलेंद्र साहब के, हाँ बात मानो अब धरा की ओर देखो, आदमी के बाजुओं का जोर देखो, कट रहे पर्वत समंदर पट रहे हैं, आज के निर्माण की झक जोर देखो, जिंदगी तूफान बन के तिल मिलाई, तुम रहे आकाश को ही देखते। आगे सुने आप, व्यर्थ ये आदर्श ये दर्शन तुम्हारे, प्यास में क्यों जाएं हम सागर किनारे, क्यों न हम भागीरथी के गीत गाएं, क्यों न श्रम सिरजे नए मंदिर हमारे, मौत टूटा बाण बन के थर थराई, लाज के मारे मरी कुछ न कर न पाई, तुम रहे आकाश को ही देखते। आगे सुने आप, कुछ ये कहते हैं कि अब क्यों हो सवेरा, पर करूं क्या ढल रहा है खुद अंधेरा, मैं किसी धनवान का मुंशी नहीं हूं, लिख चला जो कह रहा है प्राण मेरा, जिंदगी अरमान बन के गुनगुनाई, एक नहीं पहचान बन के मुस्कुराई, तुम रहे आकाश को ही देखते। आगे सुने आप, कल की बातें कल के सपने भूल जाओ, जिंदगी की भीड़ में कांधे मिलाओ, गा रहे हैं चांद सूरज और तारे, तुम भी जाओ और मेरे साथ गाओ, जिंदगी अरमान बन के गुनगुनाई, एक नहीं पहचान बन के मुस्कुराई, तुम रहे आकाश को ही देखते। ये रचना शैलेंद्र साहब की आपको सुनाई, आपको अच्छी लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।